एवरीवन, वेलकम टू मैजिक हील। आज हम मुद्रास के बारे में पढ़ेंगे। हैंड मुद्रास बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रास होती हैं, बहुत इजी टू डू हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वर्केबल। तो आइए देखते हैं क्या होती हैं ये। हमारी बॉडी पांच तत्वों से बनी हुई होती हैं। अगर ये तत्व बैलेंस नहीं होते हैं तो हमारे अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो हमारी जो बॉडी की एनर्जी होती है, हमारे टिप्स ऑफ नोज है, ये लिप्स है, फिंगर टिप्स है, टोज, इनसे रेडिएट करती है। अगर हम अपने फिंगर और थंब को कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या होती है, एनर्जी वहां पे स्टॉप हो जाती है। दैट मीन्स वो हमारी बॉडी में वापस फ्लो करने लगती है और वो हमारे जो भी तत्वाज हमारे बैलेंस नहीं है उनको बैलेंस करने में हेल्प करती है। आप देखेंगे बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस की पिक्चर्स भी होती हैं जिसमें मुद्रास की फॉर्म में वो बैठे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। आपकी जो भी परेशानी है आप अपने हैंड के थ्रू प्रेशर पॉइंट्स, वैक्यू प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको प्रेस करके या मुद्रास के थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हैं। हमारे फाइव एलिमेंट्स होते हैं। थंब हमारा फायर एलिमेंट होता है, इंडेक्स फिंगर इज एयर, मिडिल फिंगर इज स्पेस, रिंग फिंगर इज अर्थ एंड द स्मॉल फिंगर कम्स वाटर। सो ये हमारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। जब फायर वीक होता है दैट मीन्स थंब की वजह से, तो हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मुद्रास से हम अपनी फिजिकल, मेंटल और सब तरह की इमोशनल सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं, अपने एंगर को कम कर सकते हैं। जब हमारी टिप भी ज्वाइन करती है तो तत्वाज हमारे बैलेंस हो जाते हैं। जब भी थंब हमारे फिंगर के बेस को टच करता है तो तत्वाज इंक्रीज होते हैं और इसी वाइस वर्सा। मुद्रास को आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप मेडिसिन खा रहे हैं, कोई और थेरेपी ले रहे हैं उसके साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ काम, दो मिनट आप कहीं किसी का वेट कर रहे हैं वहां पे कर सकते हैं। आप इसको कुछ सेकेंड्स के लिए भी कर सकते हैं, कुछ मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं और ज्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं। टीवी देखते वक्त, ट्रैफिक में है, जाम में है, मूवी देख रहे हैं तब आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि खाना खाने से आधे घंटे पहले या उसके बाद आपको नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जब भी आप इसको स्टार्ट करें, टेक सम फ्यू डीप ब्रेथ्स, जिससे कि बेटर वर्क होगा। अगर आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो बेटर है कि आप शांति में इसको करें, तो आपको बेटर रिजल्ट्स होगा। आप बॉडी को रिलैक्स रखना है, बहुत रिजिड नहीं करना है। आप पीछे अपना कुशन लगा सकते हैं, तकिया लगा लें। अगर आपको बैक एक है या प्रॉब्लम है तो आप पीछे सहारा लेके बैठ सकते हैं। दोनों हाथों से इसको करें क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए वर्क करता है, राइट हैंड जो है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए वर्क करता है। तो आपको दोनों, पूरी बॉडी के लिए अगर आप ठीक कर रहे हैं तो आपको दोनों हैंड्स यूज करने हैं। अच्छा, जब हम इसको आपको प्रेशर नहीं लगाना है। हमेशा सबको एक क्वेश्चन होता है कि इसमें प्रेस करना नहीं, आपको सिर्फ टच करना है सिंपली। अच्छा, जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आपके जो थ्री फिंगर्स हैं कहीं पर रिजिड होंगी आपकी स्टार्टिंग में, एकदम से आपसे ओपन नहीं होंगी। तो आप दूसरे हैंड की हेल्प भी ले सकते हैं और धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपको इजीली आप कर पाएंगे। तो जो हैंड है हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो ज्यादा बेटर होगा। और आप इसको बैठ के, खड़े होके, वॉकिंग, स्लीपिंग, कभी भी इसको कर सकते हैं। बैठ के कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो आपके जो फीट हैं वो फ्लोर से अच्छे से कनेक्टेड हो, जिससे कि आप ग्राउंडिंग भी ले पाएं। बेस्ट टाइम इसके लिए मॉर्निंग होता है क्योंकि बहुत पॉजिटिव इस टाइम एटमॉस्फेयर होता है। बेस्ट विल भी अगर आप एक बारी में एक मुद्रा पे वर्क करें, या दो, मैक्सिमम टू मुद्राज आप ले लें कि आपने मॉर्निंग में कोई और मुद्रा कर ली, इवनिंग में कोई और मुद्रा कर ली, जैसे कि आप इसके बेटर रिजल्ट्स आप देख सकें कि आपको क्या बेनिफिट्स इससे मिल रहे हैं। इसके साथ आप अफर्मेशंस भी यूज कर सकते हैं, आप कलर्स भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं इसके कॉम्बिनेशंस आप इसके साथ कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी, अभी स्टार्टिंग है कि हाउ टू प्रैक्टिस देम। और हम एक एक करके मुद्रास पे वर्कआउट करेंगे और आप मुझे अपने फीडबैक्स दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।